एआईसीसी के डायरेक्शन पर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के जानिब से हमारे कांग्रेस हैदराबाद के प्रेसिडेंट अंजन कुमार जी की सदारत में आज पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक के ऊपर हमारा एक मैसिव धरना ऑर्गेनाइज किए हैं। हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट से कांग्रेस की मांग है कि आप 21 दिन के अंदर 10 रुपए पेट्रोल पे 11 रुपए डीजल पे आप बढ़ा दिए। जून 6 या जून 7 को पेट्रोल का रेट था 73 रुपीज 97 पैसा और आज हो गया 83 रुपीज 44 पैसा। डीजल का रेट था 67 रुपीज 82 पैसा और आज हो गया 78 रुपीज 87 पैसा। जब क्रूड ऑयल बैरल का रेट है $43, इसका मतलब 3,300 रुपये। जब दुनिया में क्रूड ऑयल का रेट कम है, आप कंटिन्यूसली पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा रहे हो। आज जो नाजुक वक्त से हिंदुस्तान गुजर रहा, आज जो COVID-19 पैनेडेमिक है, हम 1-2 लाख करोड़ पे कमाए इसके ऊपर। सो COVID-19 पैनेडेमिक में इकोनॉमिक को मेन पाथ में लाने को आप आवाम पे बोझ नहीं डाल सकते। सो कांग्रेस पार्टी ये मांग रखती कि आप इमीडिएटली रोल बैक करिए, और गरीब और कमजोर पहले से परेशान है उसके ऊपर और वजन मत डालिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद। పెట్రోల్ ధరలు వెంటనే హెచ్చిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే పిఎం జూటా సిఎం జూటా పిఎం జూటా సిఎం జూటా పిఎం పిఎం హెచ్చిన పెట్రోల్ డీజిల్ వెంటనే హెచ్చిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే హెచ్చిన పెట్రోల్ ధరలు వెంటనే డౌన్ డౌన్ పిఎం పిఎం PM down down PM down down PM down down PM down down CM down down kada kada PM down down 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 బియ్యం బియ్యం పెంచిన పెట్రోల్ ధర వెంటనే పెంచిన పెట్రోల్ ధర వెంటనే పిఎం జూటా పిఎం జూటా సిఎం జూటా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బంద్ హై ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కు యూజ్ కర్నా పడ్ రా జిస్కు భీ జరూరత్ హై జిస్కు భీ కామ్ కర్నా హై उसको ट्रांसपोर्ट यूज करना जरूरी है। COVID-19 के वजह से 4 महीने से हिंदुस्तान रुक गया, नौकरियां चले गए, और जो नौकरी है उसमें सैलरी कट ऑफ है, पेंशनों में कट ऑफ है, कारोबार नहीं है, सप्लाई है डिमांड नहीं है, रोटेशन ऑफ कैश नहीं है, बेरोजगारी है। और कांग्रेस पार्टी ये जानती कि रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है, और पेट्रोल और डीजल रेवेन्यू का एक मेन सोर्स है। बट ऐसे नाजुक सिचुएशन पे
आप लोग रेटा बढ़ाना गरीब और कमजोर के जेब के ऊपर एक वजन है। ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना यहां पे तेलंगाना की हुकूमत कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर रही और उसके ऊपर बोझ पे बोझ आप डालते जा रहे। जब कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब ये क्रूड ऑयल के बैरल का रेट $108 था, वो तो 8,100 रुपए, जब भी डीजल और पेट्रोल का रेट इतना बढ़ावा नहीं था, और 6 महीने के अंदर आप कम से कम 1-2 लाख करोड़ रुपए कमाए इसके ऊपर। सो कोविड 19